हेलो दोस्तों, आज हम एक्स इलेक्ट्रॉन वाई एट प्लस का एक स्मार्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्टर खोलने वाले हैं, अनबॉक्स करने वाले हैं। देखिए, ये पैकेज आज मुझे डिलीवर हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये प्रोजेक्टर का बॉक्स है। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो कीस्टोन करेक्शन। प्रोजेक्टर में ऑटो कीस्टोन करेक्शन है क्योंकि ये एक बीम टाइप का प्रोजेक्टर है। मैं पैकेज को खोल देता हूँ। पैकेज को मैंने खोल लिया है। ये लिखा है एक्स इलेक्ट्रॉन वाई एट प्लस, 720p रेजोल्यूशन का है। अब इसको ओपन करेंगे। ये ओपन किया, यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन की तरफ से कार्ड दिया गया है वारंटी या टेक्निकल सपोर्ट के लिए। और ये रहा इनसाइड द बॉक्स। ये प्रोजेक्टर का होम है, मैंने इसको हटा लिया। प्रोजेक्टर को निकाल रहा हूँ। प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके से निकल आता है। ये फोम मैं रख देता हूँ साइड में। और प्रोजेक्टर के साथ आता है प्रोजेक्टर का ये वाला छोटा बॉक्स जिसमें सारे एक्सेसरीज रखे होते हैं। इसे मैं खोल लेता हूँ। इसमें देख सकते हैं आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, एक पावर केबल मिलता है एंड एक रिमोट मिलता है प्रोजेक्टर के लिए। अब मैं प्रोजेक्टर को दिखा रहा हूँ खोल के। देख सकते हैं प्रोजेक्टर को, ये बहुत ही भारी भरकम है एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना अच्छा। पहले भी एक्स इलेक्ट्रॉन के प्रोजेक्टर्स लिए हैं, उनके बिल्ड क्वालिटी भी अच्छे थे, लेकिन ये इनका पहला बीम टाइप का प्रोजेक्टर है। तो इसको ना आप इस तरीके से स्टैंड करके आप इसको घुमा के किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे शॉप में अगर आपको सो के बिस्तर पे सो के देखना है, ऊपर सीलिंग में ऐसे करके दिखा सकते हैं, और उल्टा अगर दिखाना हो तो उल्टे तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो इसको मैं इसके पीछे जो पोर्ट्स है इसको दिखा देता हूँ। इसके पीछे है एक HDMI पोर्ट, एक ऑक्स पोर्ट, एक USB पोर्ट, एक पावर केबल का पोर्ट, और यहाँ पे है इसका पावर बटन। और यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है। लेंस कुछ ऐसे रोटेट होता है, लेंस का जो फोकस पॉइंट है ऐसे करके रोटेट होता है। देख सकते हैं लेंस थोड़ा सा बाहर आ रहा है। ये 8400 लुमेंस का है एडवर्टाइज्ड। तो हम इसे चला के आपको बाकी रिव्यू देंगे। ये था अनबॉक्सिंग का वीडियो। थैंक यू।